अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टिप्स विद फातिमा में मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। मैं लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की दो ट्रिक, जिससे आसानी आप अपने चेहरे पे अप्लाई करें और बहुत सी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं मिनटों में। मैं लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए आलू का अर्क। मैंने इसको आलू को कद्दूकस करा था और उसको निचोड़ के अर्क निकाल लिया। ये देखें थोड़ी देर हो गई तो इस वजह से ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया, तो इसका कोई मसला नहीं है, ये निकाल के रख सकते हैं आप। और लेके आई हमें बेसन, आलू का अर्क चाहिए हमें और बेसन चाहिए। जिन लोगों के हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं या बाहर निकलने अक्सर बाहर आते हैं जाते हैं जॉब वगैरह करते हैं तो चप्पल के निशान बन जाते हैं पैरों पे और हाथ बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ कि अपने हाथों को और पैरों को किस तरह बिल्कुल साफ एंड नील एंड क्लीन कर सकते हैं और बिल्कुल वाइट कर सकते हैं। ये आलू का अर्क है, इसको हम बेसन में मिला दें। कुछ नहीं है, सिर्फ ये बेसन है और आलू का अर्क है और सिर्फ इसको मिलाना है इस तरह से। ये देखते हैं किस तरह से मैं डाल रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना इसमें। ये देखें कितना ये क्रीमी फॉर्म में आ गया। अभी अपने हाथों पे, पैरों पे, कोनियों पे, टखनों पे, जहाँ जहाँ आप लगे कि बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रही हैं तो वहाँ ये लगा लें। कम से कम 10 से 15 दिन तक इसको इस्तेमाल करें तो आपको रिजल्ट वाजे तौर पर नज़र आएगा। ये देखें आपको नज़र आ रही है, बस इसी तरह इसको रखना है और आपको 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करना है। इसको 1 हफ्ते तक इसको इस्तेमाल करें, लिहाजा मेरी आपको वीडियो पसंद आएगी। और हाँ, छोटी सी एक ट्रिक और मैं देती जाऊँ कि जिनके ब्लैक हेड्स हैं वो निकलवा नहीं सकते हैं तो उनके लिए, या अंडे की सफ़ेदी है इसके उंगली हल्के से कॉटन को डिप करके अपने नाक के एरिए पर लगा दें जहाँ ब्लैक हेड्स से बस, और वो हर किसी जब पदर हो जाएगी तो उसको उतारें। देखें आपको लिहाजा मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। हर आने वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।